हाँ, लेट्स कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टूडेंट इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज फाइंड करना सीख लिए, रेंज से पहले अलाइड एंगल वगैरह 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 देख लिए। आज हम लोग कंपाउंड एंगल पे हम लोग मूव कर रहे हैं। कंपाउंड एंगल जो है बेसिकली जैसे ए प्लस बी। सबसे पहली बात, जो बच्चे 10th से 11th गए और 11th से 12th गए और ये लेक्चर देख रहे हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो तो फटाफट साइन ए प्लस बी वगैरह वगैरह सब कुछ मालूम है। हम आगे क्वेश्चन पे और कुछ नए फंडामेंटल पे आ जाएंगे, लेकिन जो 11th से जो अभी 10th से 11th गए हैं वो महान किशोर वैज्ञानिक, तो सबसे पहली बात साइन ए प्लस बी को ऐसा लिख देते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री में ये एकदम गलत अप्रोच, नॉनसेंस, जिसका कोई सेंस नहीं। बच्चे बोलते हैं एस आई एन साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ऐसा कभी नहीं होता। कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली आइए फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही सेम चीज कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान रखिए कॉस में सम का ए प्लस बी का यहां माइनस रिजल्ट होगा, कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन। बहुत सारे जगहों पे इसको याद रखने का शॉर्ट, अरे 4 बार आप बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस के लिए। क्लास 11th में थोड़ा सा इसका प्रूफ देखने से अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाता है, और कोई नई बात नहीं है। वैसे कोई जरूरी नहीं है इसका प्रूफ, कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में कभी प्रूफ आता नहीं है। वैसे यदि अपन प्रूफ देखें तो फटाक से देख लेते हैं, ये x एंड y एक्सिस ले लेते हैं, x एंड y एक्सिस, ये एंगल ले लेते हैं a, ये एंगल ले लेते हैं b, ये एंगल हो गया यहां से यहां तक a, ये एंगल हो गया यहां से यहां तक b, टोटल एंगल हो गया ये वाला a प्लस b। इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दिस इज 90 डिग्री, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इससे अपन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कुछ भी ले लीजिए, P Q R S T, इसको कुछ और ले लीजिए, L ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट मुझको चाहिए साइन ए प्लस बी, बहुत ही फास्ट आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। साइन ए प्लस बी मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल ये ओ, तो ये ए प्लस बी मतलब इस ट्राइंगल में ये हो जाएगा ए प्लस बी मतलब कंप्लीट एंगल, तो ये ट्राइंगल मतलब पी एस बाई ओ पी, पी एस को मैं लिख दूंगा पी आर बाई आर एस, ना पी एस को लिख देंगे पी आर प्लस आर एस बाई ओ पी डिवाइड बाई ओपी। ये हो जाएगा स्टूडेंट पी आर बाई ओ पी प्लस आर एस बाई ओ पी, ठीक है। ये एंगल ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए, ये हो जाएगा 90 माइनस ए, सेम एंगल अपोजिट एंगल, ये है 90 डिग्री, ये है कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, ये तो ये एंगल हो जाएगा स्टूडेंट ए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एंगल हमारा हो गया ए। और यदि ये एंगल ए हो गया तो देखिए पी आर चाहिए मेरे को, तो ये पी आर इसके साथ कौन है हाइपोटेन्यूज में पी क्यू, तो मैं इसको लिखा पी आर बाई ओ पी इंटू हाइपोटेन्यूज में है पी क्यू, तो पी क्यू मल्टीप्लाई किया पी क्यू डिवाइड किया, ये आर एस बाई ओ पी, आर एस देखो कहां पे बन रहा है आर एस, आर एस को मैं लिखूंगा क्यू टी, आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू टी, ओके। अब देखो क्यू टी का हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू, तो ओ क्यू से मल्टीप्लाई ओ क्यू से डिवाइड। अब आप यहां पे देखिए पी आर बाई पी क्यू, इसके बाई इसको चलो मेकअप कर देते हैं, पी आर बाई पी क्यू इंटू
इसको लिख लेता हूं पी क्यू बाई ओ पी। अब देखो पी आर सॉरी पी आर बाई पी क्यू कॉज ए, ये हो जाएगा कॉज ए पी क्यू बाई ओ पी, ये हो जाएगा साइन बी। और यहां से इसको लिख लेंगे क्यू टी बाई ओ क्यू इंटू ओ क्यू बाई ओ पी। अब देखिए क्यू टी बाई ओ क्यू ये हो जाएगा कॉस सॉरी साइन ए, ये ऑब्वियसली हो जाएगा कॉस बी। इसको थोड़ा सा मेकअप कर देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मेकअप कर देंगे, इसको पहले लिख लेंगे तो ये आ गया स्टूडेंट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। ये तो गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं होगा। ये चार फॉर्मूले अभी मैंने लिखा है, साइन ए प्लस बी का मैंने प्रूफ कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये हमारा आ गया साइन ए प्लस बी इज इक्वल, बिल्कुल याद रखिए मन मस्तिष्क में एकदम आसान है, साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस में कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बस स्टूडेंट इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट पेयर अपन चलते हैं, ये पेयर है वन टू, फर्स्ट पेयर वन टू, सेकेंड पेयर थर्ड में अपन लेते हैं टेन ए प्लस बी। ये हो जाएगा स्टूडेंट tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan a माइनस b ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला, सब पेयर में मैं करता चला जा रहा हूं, साइन a प्लस b साइन a माइनस b साइन a प्लस b साइन a माइनस b एंड दिस मच। क्या गाड़ी यहां तक पहुंची, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं cot की, cot a प्लस बी ये हो जाएगा cot a cot b माइनस वन बाई cot b प्लस cot a। मोस्ट यहां पे मैंने cot b प्लस cot a क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में खुलासा हो जाएगा, राइट ये है cot a माइनस b इज इक्वल टू cot a cot b प्लस वन बाई cot b माइनस cot a। सिमेट्री के लिए देखो माइनस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cot b माइनस cot a, यहां पे cot a प्लस cot b लिखने से सिमेट्री नहीं बनता है, cot a प्लस cot b लिखें या cot b प्लस cot a लिखें ज्यादा अच्छा होगा, उचित होगा cot b प्लस cot a लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों को साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बहुत अच्छे से याद रहता है, चलो वो कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी भी याद कर लेते हैं, फिर इसमें दर्द होता है, फिर इसको भी याद कर लेते हैं क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसका यूज कम होता है लेकिन क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, आपको याद यही रखना है, ये तो सारी दुनिया याद कर लेती है, आपको ये याद रखना है कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, cot a cot b माइनस वन बाई cot b प्लस cot a cot a माइनस b cot a cot b प्लस वन बाई cot b माइनस cot a। क्या कहानी यहां तक पहुंची, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अपन कुछ नए और इंपॉर्टेंट देखते हैं। मान लीजिए कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए कि मैं इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, हम चाहते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आइए राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू सेम चीज विथ माइनस साइन, क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो ये पूरा एल्जेब्रिक फॉर्म में यदि मैं देखूं तो a प्लस बी और a माइनस बी चीजें सेम है, साइन कॉस तो इसको लिख ले, यदि अपने दिमाग में हम लिखे इसको a तो a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही चीज हो जाएगा साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। गाड़ी यहां तक पहुंची, सुनो कहानी सुनो,
मान लीजिए इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या हो रहा है देखो, यहां साइन ए हुआ, यहां साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, तो इस साइन स्क्वायर बी को रहने दीजिए, आप इस साइन स्क्वायर बी को कुछ मत कीजिए, इसको लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, ये आ गया साइन स्क्वायर बी माइनस और ये माइनस प्लस, और यहां से बन गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, यहां से रिजल्ट आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा दीजिए। सबसे पहली बात याद रखने का बेस्ट मेथड आपका क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, साइन का, साइन साइन आंसर साइन, क्या साइन साइन आंसर आया साइन, क्या हुआ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ये आप ऐसा देखिए, इसको देख जरूर रहे एंगल में ए प्लस बी, एंगल में ए माइनस बी, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या ये बात समझे, बहुत आसान था बेटा, साइन ए प्लस बी को लिख दिया साइन ए माइनस बी, ये अंदर सब कुछ सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस यदि मान लीजिए अलग है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अपन जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से हो गया साइन स्क्वायर ए और इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर दिए, कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दिए, मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, रिजल्ट आ गया। तो इस रिजल्ट को भी हम यहां लिख देते हैं, इस रिजल्ट को यहां लिख देते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्लियर है। आइए अब कॉस को मल्टीप्लाई करते हैं, आइए थर्ड एंड फोर्थ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा हमारा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इधर क्या रिजल्ट आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब फिर से ध्यान से देखिए, कॉस 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 कॉस, साइन 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 साइन, यहां माइनस यहां प्लस, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब सुनिए, यदि मैं मान लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख रहा हूं, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, यहां पे साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर, यदि मान लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको कॉस स्क्वायर बी, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, देखिए यहां से कॉस में तो कॉस रहने दिया, यहां से साइन में, तभी तो साइन कॉस हो सकता है, मे बी मे नॉट बी, चेंज कर दे, ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर बी माइनस, यहां से आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। मान लीजिए स्टूडेंट कि मैं इसको चेंज करता हूं, इसको मैं लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, इसको लिख रहे हैं हम साइन स्क्वायर ए, कोई फायदा नहीं, 1 आके परेशान करेगा, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई फायदा नहीं, ना 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 जरूरत नहीं, कुछ करने की आपको जरूरत नथिंग, गाड़ी यहां तक पहुंची। चलिए एक और फॉर्मूला हम यहां पे लिख देते हैं,
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला फिर भी बच्चे याद कर लेते हैं, इसमें वो रुक जाते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं यही आपको याद करना है, यही आपको याद करना है। इसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमारा रिजल्ट आया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दो तो आपको हर हाल में याद रखना है, हर हाल में आपको ये याद रखना है। एक बार ये पूरे फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और नए फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मुझे 10 में 10 पाई बाई 4 माइनस ए ये फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या चाहिए, क्या होगा, 10 ए माइनस बी के जैसे फॉर्मूला होगा, ये होगा 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका आरएचएस देखना कितना ब्यूटीनेस, आरएचएस का देखिएगा, आरएचएस होगा 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 45 माइनस ए, और यदि मान लीजिए यही प्लस में होता, इसका मतलब 10 पाई बाई 4 प्लस 10 ए डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 ए, तो यही 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए होता, तो ये LHS में होता 10 पाई बाई 4 प्लस ए। सर इससे क्या फायदा हो रहा है, फायदा आप सोच नहीं सकते इतना फायदा होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कि मुझे फाइंड, मुझे सॉल्व करते करते आ गया cos 10 प्लस sin 10 डिवाइड बाई cos 10 माइनस sin 10, या फिर ये क्वेश्चन ही मान लीजिए क्या होगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, cos 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, ऊपर में आ गया 1 माइनस 10 10 अपॉन ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 10 10 और नीचे आ गया 1 माइनस 10 10 10 10 डिग्री। क्लियरली बात समझ में आई। अब अपन जानते हैं कि 1 प्लस और 1 माइनस यदि है तो 45 प्लस 10 यानी कि 55 इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 55। हाँ मान लीजिए कि मेरे पास ये है, मान लीजिए कि मेरे पास ये है और मुझे यहां तक पहुंचना है, ये तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा दिया। अब आप बोलेंगे कि मुझे ये भी याद रखना है, कोई जरूरी नहीं है, या तो आप मैनिपुलेशन को समझिए या याद रखिए, दो ही बातें हैं, या तो मैनिपुलेशन को समझिए। यहां पे कैसा मैनिपुलेशन यूज कर रहा हूं सुनिए, कहानी सुनिए, इस 10 को तो मैं 10 45 लिख दूं, आइए लिख देते हैं 10 45 प्लस ये हो गया 10 10 डिवाइड बाई, इसको कुछ मत कर, और आप यहां जबरदस्ती 10 45 ले आओ। अब आंखों से देखिए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b नजर आ रहा है, तो मैं बहुत आराम से लिख सकता हूं इसको 10 45 प्लस 10 और मैं इसको लिख सकता हूं 10 55। क्या कहानी यहां तक पहुंची, ये क्या है बेटा मालूम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे दिमाग में है कि 1 1 1 1 यदि प्लस ऊपर तो इधर होगा 10 45 प्लस ए, और यदि माइनस ऊपर तो ये होगा 10 45 माइनस ए। यही क्वेश्चन cos 10 माइनस sin 10 डिवाइड बाई cos 10 प्लस sin 10 होता, आंखों ही आंखों पे खेलिए, निगाहों का इस्तेमाल कीजिए, cos 10 से डिवाइड करूंगा 1 माइनस 10 10 अपॉन 1 प्लस 10 10 माइनस ऊपर 10 45 माइनस ए, मतलब ये हो जाएगा 10 45 माइनस 10 आंसर होगा 10 35 डिग्री, दिस इज द आंसर। क्या मैनिपुलेशन समझ में आया, क्या ये दो इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन समझ में आया, क्या ये दो इंपॉर्टेंट लॉजिक समझ में आया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। कहानी समझ में आई, आइए अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसा कुछ दिया गया है कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू
45 और 225। लॉजिक समझिएगा, 225 क्यों लिखा है ये भी मैं समझाऊंगा, 45 क्यों लिखा है मैंने मैं ये भी मैं समझाऊंगा। ध्यान दीजिए, देखो एक्चुअली क्या है, 225 सोचो कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, 45 कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, 45 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और 225 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब मैं टेन 45 वन है तो 225 भी, चेक कर लो क्या होगा। सिंस हम क्या बोल रहे हैं, टेन 45 वन, चेक करो टेन 225 कितना, टेन 180 प्लस 45। क्या बात समझ में आई, 180 प्लस 45, 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा मतलब इसमें थर्ड पे 10 पॉजिटिव, चेंज एंगल है ही नहीं, बदमाश एंगल है ही नहीं, cot 45 ये भी 1, तो यहां पे ये भी 1 और यहां पे ये भी 1, इसलिए 45 और 225 में 10 को मैंने लिया है, दोनों पे रिजल्ट हमारा 1 है। आइए इसको इसके साथ खेलें, tan a plus b is equal to tan 45 is equal to tan 25, दोनों का आंसर 1 है और LHS है हमारा tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए हमारा रिजल्ट आने वाला है tan a plus tan b is equal to, ये हो जाएगा 1 minus tan a tan b। क्लियर है, आइए इसको LHS में लेकर आए, ये हो जाएगा tan a plus tan b plus tan a into tan b is equal to 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, ऐसे दो एंगल के tan का सम प्लस वही दो एंगल के tan का प्रोडक्ट, tan 1 कहीं पर यदि, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि ये स्प्लिटिंग होना चाहिए 45, दोनों सम a प्लस b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। मान लीजिए कि अपन बात करें, यदि मान लीजिए अपन जानते हैं 45 को किसी भी तोड़ 20 और 25 है ना, मैं लिख सकता हूं आंख बंद करके 20 प्लस 25 प्लस 10 20 इंटू 10 25। यदि ऐसा कोई रिजल्ट अननोन एंगल के साथ आ जाए, जबकि आप देख रहे हैं 20 प्लस 25 है क्या, 45, इन दोनों का सम क्या है, 45, अपन क्या लिखे, 10 20 प्लस 10 25 प्लस 10 20 इंटू 25, आंख बंद करके सबसे पहली बात की ये 1, इसका आंसर कितना 1। बिल्कुल वैसा ही 225, मान लीजिए कहीं पर आ जाए कि 1000 प्लस 10 125 प्लस इसी दो का प्रोडक्ट 1000 इंटू 10 125 विदाउट सॉल्विंग, आप इसको लिख सकते हैं 1, आप क्या लिख सकते हैं 1। आइए इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करें, बाप रे ट्रिग्नोमेट्री मतलब सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन, सब ट्रिग्नोमेट्री आया मैनिपुलेशन लाया, बाकी सारे टॉपिक जो हैं सुन लो कहानी सुन लो, बाकी जो दूसरे टॉपिक हैं जैसे मान लीजिए कि हम बात करेंगे पैराबोला की, मैनिपुलेशन ज्यादा नहीं है, नए नए मेथड नए नए क्वेश्चन क्वेश्चन से रिलेटेड लॉजिक, यहां एक ही चीज को मैनिपुलेट करते रहो नया 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 रिजल्ट दिखता रहे, और मैक्सिमम मैनिपुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि ये कहीं पर भी घुस जाए। आइए इसको देखिए किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हूं स्टूडेंट, बहुत जबरदस्त, ध्यान से देखिएगा, अपन थोड़ा सा रंग बिरंगे चौक का प्रयोग कर लेते हैं। हमारे पास है tan a plus tan b, हमारे पास है tan a plus tan b plus tan a into tan b is equal to 1 है, 1 ऐड कर रहा हूं मैं, 1 adding both sides, 1 ऐड किया तो 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 2। कहानी समझ में आई, इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए, 1 प्लस tan a, इसमें से आप tan b कॉमन लीजिए,
ये आएगा 1 plus tan a, ये हो गया 2. ओ माय गॉड, 1 plus tan a क्या आ गया, 1 plus tan a कॉमन ले लिया इनटू 1 plus tan b, ये हो जाएगा आंसर 2. अब आप सोचो वही रिजल्ट को कितने सारे तरीकों से हम लिख सक रहे हैं. यदि आपके पास आ जाए, अब देखिए ये था 1, यदि आपके पास आ जाए 1 plus tan 20 into 1 plus tan 25, आप लिखेंगे 22. आंखों ने क्या देखा, जादू. कौन सा जादू, 20 plus 25 होता है 45, तो ये रिजल्ट होगा 2. यदि आपके पास कहीं आ जाए 1 plus tan 2 into 1 plus tan 43, आप लिखिए 2 आंसर. यदि कहीं आ जाए 1 plus tan 100 into 1 plus tan 125, आप लिखेंगे 225. क्या देखना क्या है, हमको सिर्फ ये दो एंगल देखने हैं, हमको सिर्फ ये दो एंगल देखने हैं. इसी फंडामेंटल पर बेस्ड जबरदस्त क्वेश्चन एक बार आईआईटी में पूछा गया. क्वेश्चन था इफ 1 plus tan 1 into 1 plus tan 2 1 plus tan 3 ... देखिए यहां पे क्या है, सब इनटू में 1 plus tan 1, देखिए 1 plus tan 1 1 plus tan 2 1 plus tan 2 3 4 ... लास्ट वाला हो जाएगा 1 plus tan 45 is equal to 2 raised to n, then n is equal to, this is the question. कहानी सुनना, 1 plus tan 1 से लेकर 1 plus tan 45, सब प्रोडक्ट में, राइट बेटा. लास्ट वाले ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 1 plus 1, ये आ जाएगा 2, लास्ट ब्रैकेट इटसेल्फ 2 है, लास्ट बट वन ब्रैकेट होगा 1 plus tan 44. अब आप लगाइए दिमाग, ये है 1 plus tan 1 और ये है 1 plus tan 44, 1 और 44 सम है 45, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 होगा. सोचो इसके बाद वाला ब्रैकेट, इससे पहले वाला ब्रैकेट 1 plus tan 2 और इससे पहले वाला ब्रैकेट 1 plus tan 43, फिर से वो क्या होगा, 2 होगा, ... कितने बार 2, 2 raised to 22. क्यों 2 ... 2, ये कितने बार 20, ये होगा 22 टाइम्स. क्यों, देखिए पेयर में फिर 2 दे रहा है, दो पेयर बना के टोटल है 1 plus tan 44 है, तो 44 का आधा 22, तो 22 बार 2 आएगा, तो ये 2 raised to 22. और देखो ये 2 अकेला लास्ट वाला ब्रैकेट खड़ा है आपके सामने ... 2, ये होगा स्टूडेंट इक्वल टू 2 raised to n जो गिवन है, हेंस ये बनेगा 2 raised to 23, 2 raised to n, हेंस n is equal to 23. क्या गाड़ी यहां तक पहुंची, एक बार फिर से 1 plus tan 1 से लेकर 1 plus tan 45 तक, तो 45 टर्म टोटल 45 हो गए, 45 वे ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो ये आया 44, 44 में आधा, क्योंकि दो ब्रैकेट मिलाकर 2 है, तो एक ये वाले 2 के लिए 2 ब्रैकेट कंज्यूम हुआ, ये वाले 2 के लिए फिर 2 ब्रैकेट कंज्यूम हुआ, तो ऐसे 22 ब्रैकेट्स कंज्यूम होंगे, तो 2 into 2 into 2 कहां तक जाएगा, 2 raised to 22, लास्ट वाला ब्रैकेट अकेले अपने आप में 2 है, ... 2 is equal to 2 raised to n, hence n is equal to 23. गाड़ी यहां तक पहुंची, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया, आइए अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं. हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इफ tan a plus b इज इक्वल टू x एंड tan
a माइनस बी इज इक्वल टू वाई, देन फाइंड टेन टू ए एंड टू बी। सुनिए, कहानी सुनिएगा, मैनिपुलेशन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशन पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे टेन टू ए चाहिए, अंदर देखो ध्यान से, ये है टेन टू ए, अच्छा ए है ना, हाँ सही है, चलेगा। अब सुनो, टेन टू ए को मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी और बी खर्च, बच गया ए और ए टू ए। बस ये छोटा सा मैनिपुलेशन आपके दिमाग में यदि स्ट्राइक किया तो बस ये ए और ये बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी। टेन ए प्लस बी कितना, एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये हो गया टेन ए प्लस बी एक्स। सिमिलरली सिमिलरली ध्यान दीजिए, टेन टू ए की जगह पे टेन टू बी यदि हमारे पास है, हम बड़े आराम से लिख पाएंगे टेन, कितना लिख पाएंगे इसको, सोचो क्या कैंसल, बी एड होना चाहिए, ए कैंसल होना चाहिए, बी एड होना चाहिए और ए कैंसल होना चाहिए, ए से ए कैंसल और ये, अच्छा इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी तो है लेकिन हमारे पास तो टेन ए माइनस बी था, तो क्या करें, यहां पे माइनस कर दो, ठीक है, और यहां पर कर दो प्लस माइनस, बी ऐड होना चाहिए ना, तो बी के जगह पे तो प्लस ही रहेगा, बी की जगह में प्लस और ए की जगह पे माइनस। यदि मैं कंप्लीट से माइनस कॉमन ले लूं, सुनो यदि मैं इसको 10, इसको लिखा ए प्लस बी, माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस बी हो गया, ऐसा तो लिख सकता हूं ना स्टूडेंट, इसको ये दोनों जो है ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो दोनों है ये तो ए प्लस बी है, मैं इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या मतलब हुआ, ये माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस बी, अब मुझे a प्लस बी आ गया और a माइनस बी आ गया जो गिवन है, tan a माइनस बी का इसमें फॉर्मूला लगाइए, डेफिनेटली इसका जो आंसर आएगा x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई। कहानी यहां तक पहुंची, कहानी यहां तक पहुंची, नोट कीजिए, मान लीजिए कि मुझे tan a प्लस tan b फाइंड करना है, अभी तक हम लोग स्टूडेंट टेन ए प्लस बी हमने फाइंड किया था, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि टेन ए प्लस टेन बी फाइंड किया जाए। आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है। टेन ए को, अच्छा इधर लिख लेते हैं, टेन ए को क्या लिख ले बेटा, साइन ए बाई कॉस ए, इसको क्या लिख ले, साइन बी बाई कॉस बी, एलसीएम ले कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, व्हाट ए ब्यूटीफुल रिजल्ट, साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा लेंगे इस रिजल्ट को, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे हम लिख देते हैं फाइनली tan a प्लस टेन बी आ जाए तो साइन ऊपर में आएगा, साइन दोनों एंगल को ऐड कीजिए, नीचे cos a इंटू cos b, डेफिनेटली मैं बिना सॉल्व किए लिख सकता हूं tan a माइनस टेन बी माइनस, ये हो जाएगा साइन a माइनस बी इंटू cos a cos b, कैसे, थोड़ा सा आंखों का प्रयोग करो, निगाहों का इस्तेमाल करो, साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन बी बाई कॉस बी,
ठीक है, कॉस ए कॉस बी एलसीएम आ जाएगा, बीच में माइनस रहेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, नीचे तो सेम हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। आंख बंद करके मैं लिख सकता हूं टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी। क्या कहानी यहां तक पहुंची, गाड़ी यहां तक पहुंची। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन। शो दैट tan स्क्वायर टू थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर टू थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है tan थ्री थीटा इंटू tan थीटा। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या लग रहा है कि अपन ना इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी डिवाइड बाई, सुनो कहानी सुनो, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा, और एक बार होगा वन प्लस टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस, अरे ये तो सीधे आ गया, ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी, और ये होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस, ओ माय गॉड ये तो बहुत आसान हो गया, टेन ए माइनस बी यहां से आ गया टेन थ्री थीटा, क्या यही राइट हैंड साइड है, छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन है इफ थ्री टेन ए टेन बी इज इक्वल टू वन देन शो दैट टू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये अपने को शो करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए ये कुछ कुछ मेरे को जो शो करना है इसको यदि थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लूं मैं तो क्या आपको ये नजर आ रहा है, कॉस ए प्लस बी बाई कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई टू, टू का इसमें मल्टीप्लाई, हाँ ये मेरे को प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, यहां से आते हैं, ये मुझे गिवन है टेन ए टेन बी इज इक्वल टू वन बाई थ्री, अच्छा ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी, ये हो गया वन बाई थ्री, साइन ए बाई कॉस ए साइन बी बाई कॉस बी साइन बाई कॉस, बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे ही मुझे ये नजर आया मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो की याद आ रही है, कंपोनेंडो डिविडेंडो योगांतरानुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है ए बाई इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यदि आपको नहीं मालूम है तो यहां ध्यान से देखिएगा, देन हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं इसमें यदि डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ये हो जाएगा c प्लस डी बाई सी माइनस डी, और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी, ये दोनों ही ट्रू है। इस पे मेरी इच्छा हो रही है कि अपन कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, पहले से रेसिप्रोकल ले कॉस ए कॉस बी बाई साइन ए साइन बी इज इक्वल टू थ्री बाई वन, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू थ्री प्लस वन बाई थ्री माइनस वन, देखो न्यूमरेटर देखो कॉस कॉस साइन साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी
तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, नीचे में हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, इधर हो जाएगा 4/2 तो 2, ऊपर माइनस प्लस है, रेसिप्रोकल ले लीजिए, आंसर आंखों पे बिल्कुल यस वेरी गुड, कॉस ए प्लस बी ऊपर में हाँ, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, इधर भी रेसिप्रोकल होगा 1/2, बहुत ज्यादा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी फाइनल आंसर पे पहुंच जाइए, दिस इज द आंसर। ये जो मुझे प्रूफ करना था इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैंने रख लिया, इसको मैनिपुलेट करने के बाद मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो दिमाग में आया कि भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं है ऐड करना है, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तभी जाके ये रिजल्ट कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में कन्वर्ट होगा। नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4/5 साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5/30 फाइंड टेन टू ए। आसान है, एकदम आसान है, अभी अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है। देखो tan 2a को हम मैनिपुलेट करेंगे tan a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी में है, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और ये हमारा होगा tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। आपको किसी तरीके से tan a प्लस बी की जरूरत होगी, हम यहां से cos a प्लस बी इज इक्वल टू 4/5 ट्रायंगल ले लेंगे, ये एंगल हो गया a प्लस बी, cos हो गया 4/5, ये आ जाएगा 3, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा tan a प्लस बी, देयरफॉर यहां से मुझे मिला tan a प्लस बी 3/4। एक और ट्रायंगल बनाएंगे साइन के लिए a माइनस बी, ये ट्रायंगल होगा a माइनस बी, मुझे 5 और 13 169 25 144 12, मुझे चाहिए tan a माइनस बी, तो यहां से मुझे मिलेगा tan a माइनस बी 5/12, पुट एंड गेट द आंसर। tan a प्लस बी की वैल्यू यहां रखिए, tan a माइनस बी की वैल्यू यहां रखिए, कैलकुलेट कीजिए आंसर। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? नोट कर लीजिए।